एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे, तो संडे स्पेशल। आज मैं एक न्यू स्टॉक वीडियो लेकर के आ गई हूँ। तो मेरी जो कम्युनिटी है उनमें से बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ऐड हो रही हैं। तो उन्हीं में से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि दीदी आपके फुल स्लेट पेंसिल स्टॉक दिखाओ, ओनली स्लेट पेंसिल। तो ये स्टॉक वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ स्लेट आइटम्स नहीं दिखाऊंगी। नया कुछ स्लेट आइटम्स बन रही है, आई थिंक मैं नेक्स्ट स्टॉक वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ स्लेट पेंसिल स्टॉक शेयर करूंगी। मेरे पास आप लोगों को पता ही है कुल मिला के 5000 के ऊपर स्लेट पेंसिल है। तो यहाँ पर है लॉन्ग स्लेट पेंसिल। मैं जितनी बार भी कोशिश करती हूँ कि सिर्फ लॉन्ग इसमें एडजस्ट करके रखूँ, तब भी थोड़ा बहुत ब्रोकन इसमें चला जाता है या टूट जाती है। तो रेगुलर बेसिस के काम है, तो ऐसे ही परफेक्ट तो नहीं रह सकते, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं। तो ये है मेरी लॉन्ग स्लेट पेंसिल, लॉन्ग थीक थीन स्लेट पेंसिल यहाँ पर मिक्स है। और एक अलग बॉक्स में मैं ब्रोकन रखने की कोशिश करती हूँ। तो वो बॉक्स यहाँ पर है। बहुत दिन हो गए ये बॉक्स मैं क्लीन नहीं करी हूँ। ये वीडियो में वाटर क्लीनिंग नहीं होंगे, बट मैं ट्राई करूँगी आज ड्राई क्लीनिंग करके रखूँ, देन मैं नेक्स्ट एक दिन वाटर क्लीनिंग करके फिर से रखूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पाउडरी है। जब मैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन में स्लेट पेंसिल लेकर के बैठती हूँ, तब मैं प्रिपरेशन कम्प्लीट होने के बाद फिर से यहाँ पर ब्रोकन रख देती हूँ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं। एनीवेज, तो जो फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्ट किया है कि स्लेट पेंसिल स्टॉक दिखाओ, तो ये है आप सभी के रिक्वेस्टेड एक वीडियो। तो पहले मैं कौन सा नीचे रख के आप लोगों को दिखाऊँ, ब्रोकन या लॉन्ग? पहले ब्रोकन ही रखती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें से पाउडर बहुत ज़्यादा है। पाउडर को अलग करके ओनली स्लेट पेंसिल रखनी है, ताकि बहुत ज़्यादा फ्रेश मैं रख सकूँ। पाउडर हो या जो भी हो, बहुत ही आर्दी होता है, बहुत ही। इसमें वाटर ऐड करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा आर्दी हो जाते हैं। तो चलो मैं फर्स्ट ब्रोकन को नीचे रख के इसको ड्राई क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकन ब्लैक है, उसको मैं थोड़ा अलग करके रखती हूँ। ये बॉक्स में मैं रख दूंगी। ये छानने से मेरी काम और भी आसान हो जाएंगे और स्लेट पेंसिल से सारे पाउडर निकल जाएंगे, तो इससे मैं कर लेती हूँ।
वो वेरी आरती पाउडर जिसको मैं अलग कर चुकी हूँ। इसको मैं अलग से रखूँगी ताकि मैं प्रिपरेशन वीडियो में इसका यूज़ कर सकूँ। ये वेरी 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 आरती पाउडर है, आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही स्मूथ एंड आरती पाउडर देख सकते हो। ये ब्रोकन में से मुझे मिला है तो इसको मैं पूरा अलग करके रखती हूँ। तो अब मैं मेरी जितने भी लॉन्ग थिक स्लेट पेंसिल है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो इसको मैं हटा देती हूँ। छानने के बाद ये है ब्रोकन स्लेट पेंसिल। हाँ, तो इसको मैं बहुत जल्द मैं वीकली तो नहीं हो पाता, बट मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ दिन में इसका टोटल जो स्टॉक रहता है उसका मैं वाटर क्लीनिंग करूं ताकि इसका आर्दिनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका तो शेयर कर चुकी हूँ सब कुछ, क्लीनिंग वगैरह। अब मैं लॉन्ग स्लेट पेंसिल यहाँ पर रखूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूज क्वांटिटी माय स्लेट पेंसिल स्टॉक इज हियर। तो ये सारे स्लेट पेंसिल दिखाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी। क्या आप लोगों को ये स्लेट पेंसिल में से कुछ अलग दिख रहा है? क्या आप लोग बता सकते हो कि ये एक्चुअली क्या है, मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो क्लीनिंग वीडियो होंगे स्टॉक वीडियो के बाद, उसमें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी एक्चुअली ये क्या है, मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। तो अब है बड़ा वाला काम, दिखानी है, दिखना है। चलो दिखा देती हूँ। हाँ, लीजिए पूरा बॉक्स ही मैं ढाल दिया हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आई थिंक 10-15% ब्रोकन है या नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मैं प्रिपेयर करके रखा था। इसमें ज़्यादातर 99% लॉन्ग है, छोटा मोटा दो एक ब्रोकन हो सकता है। सो जो जो स्पेसिफिक फ्रेंड मुझे रिक्वेस्ट किया था मेरी फुल स्लेट पेंसिल स्टॉक दिखने के लिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
अच्छे से आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको फिर से बॉक्स में एडजस्ट करके रख दूंगी। गाइस हमारे इधर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है आज, तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 और राइट नाउ 41। सो न्यूज़ में बताया गया कि ये 45 या 46 हो जाएंगे, तो बहुत ही टफ हो रहा है इन दिनों वीडियो शूट करना। तबीयत तो आप लोगों को पता ही है, मेडिसिन वगैरह चल रहा है, उसके बाद भी मुझे काम तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पर काम की जगह कोई सिंपैथी नहीं, कोई क्या बोलूँ, कोई और कोई बात मुझे भी पसंद नहीं है, क्योंकि काम मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से करती हूँ, काम के अलावा और कुछ दिखते ही नहीं है मुझे। ओके एवरीवन, तो अब मैं इसको बॉक्स में एडजस्ट कर दूँ। आप लोगों का क्या मन भर गया है देख के ये पहले बताओ, अगर मन भर गए हैं तो बता दीजिए मुझे, मैं इसको बॉक्स में एडजस्ट करके रख देती हूँ। मजा कर रहा हूँ, मेरी बातों को सीरियसली मत लेना। हाँ बोला था ना 99% लॉन्ग है, तो एक ब्रोकन तो निकलेगा, उन्हीं में से ही है ये ब्रोकन। ओके एवरीवन, तो अब मैं इसको बॉक्स में एडजस्ट कर देती हूँ। हाँ एवरीवन, तो मेरी फोर स्टेटमेंट से स्टॉप वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ओके गाइस बाय, स्टे सेव एंड हैप्पी। মাধ্যমিকের মেয়ে, কিন্তু মাধ্যমিকের ভালো করে বেঁধে দাও দুটো একসাথে, আমি হাতেই নেবো, হাতেই তো নিই। 30 টাকা দিয়ে দাও। কাঁচি কত? কাঁচি অনেক রকম, 20 টাকা থেকে আরম্ভ করে 120 টাকা থেকে আরম্ভ করে অনেক দামে দাও। আপু স্ক্যানারটা দাও, ওই যে নীল নীল আড়াই টাকা কেন?
বক্সের জ্যামিতি বক্সটা কেমন রেঞ্জ? মাধ্যমিকের মেয়ে কিন্তু মাধ্যমিকের ভালো করে বেঁধে দাও দুটোকে একসাথে, আমি হাতেই নেবো, হাতেই তো নেই। সবসময় আসে ঝগড়া করো কেন তুমি? একদিন দেখলাম না ভালো করে কথা বলতে, বড় কাঁচিটা কত? ডোমসের জ্যামিতি বক্সটা কেমন রেঞ্জ? এখন ব্যস্ত মাধ্যমিকের মেয়ে কিন্তু মাধ্যমিকের ভালো করে বেঁধে দাও দুটোকে একসাথে, আমি হাতেই নেবো, হাতেই তো নেই। 30 টাকা দিয়ে দাও। অনেক রকম আছে, 20 টাকা থেকে আরম্ভ করে 120 টাকা থেকে আরম্ভ করে অনেক দামে দাও। এইগুলো কত? আপু স্ক্যানারটা দাও, ওই যে নীল নীল মাধ্যমিকের মেয়ে কিন্তু মাধ্যমিকের ভালো করে বেঁধে দাও দুটোকে একসাথে, আমি হাতেই নেবো, হাতেই তো নেই। 30 টাকা দিয়ে দাও। অনেক রকম আছে, 20 টাকা থেকে আরম্ভ করে 120 টাকা থেকে আরম্ভ করে অনেক দামে দাও। এইগুলো কত? আপু স্ক্যানারটা দাও, ওই যে নীল নীল ঝগড়া করো কেন তুমি? একদিন দেখলাম না ভালো করে কথা বলতে, বড় কাঁচিটা কত? ভালো কাঁচি নিতে গেলে পেঁয়াজ যেটা আছে 90 টাকা দাম। 90 টাকা 90 ভালো জিনিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, মালয়েশিয়া এখন দোকানে যায়নি, ফোন করুন না, মাঝে দিয়ে এদিকে দাও। মাধ্যমিকের মেয়ে কিন্তু মাধ্যমিকের ভালো করে বেঁধে দাও দুটোকে একসাথে, আমি হাতেই নেবো, হাতেই তো নেই। 30 টাকা দিয়ে দাও।
কাচি কত কাচি আছে অনেক রকম আছে 20 টাকা থেকে আরম্ভ করে 120 টাকা থেকে আরম্ভ করে অনেক দামে দাও এই গুলো কত আপু স্ক্যানারটা দাও ওই যে নীল নীল মাধ্যমিকের মেয়ে কিন্তু মাধ্যমিকের আমি হাতেই নেবো হাতেই তো নেই আপু স্ক্যানারটা দাও নীল নীল মাধ্যমিকের মেয়ে কিন্তু মাধ্যমিকের ভালো করে বেঁধে দাও দুটোকে একসাথে আমি হাতেই নেবো হাতেই তো নেই 30 টাকা দিয়ে দাও অনেক রকম আছে 20 টাকা থেকে আরম্ভ করে 120 টাকা থেকে আরম্ভ করে অনেক দামে দাও এই গুলো কত আপু স্ক্যানারটা দাও ওই যে নীল নীল নব্বই টাকা নব্বই